मैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ और मुझे केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य के पद पे नियुक्ति के लिए माननीय स्मृति रानी जी व उनके निजी सचिव विजय गुप्ता जी और साथ में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह, अयोध्या से हैं, इन लोगों ने मेरे पास खुद से अप्रोच किया, कॉल किया और मेरी नियुक्ति हो गई। उसके बाद मुझसे पैसे की डिमांड की गई। जब मैंने उससे विरोध किया कि मैं पैसे नहीं दूंगी तो उसके बाद विजय गुप्ता जी ने मुझे बोला कि आपको इस पद से हटाना पड़ेगा। इस विषय में माननीय स्मृति रानी जी से भी मैंने मुलाकात किया लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप पैसे ले लीजिए और अभी चली जाइए। आज स्मृति रानी के खिलाफ हम लोगों ने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया है जिसमें उन्होंने अमेठी में मटिया सिंह खिलाफ गलत तथ्यों को आपराधिकवाद के बारे में और उनके ऊपर फर्जी FIR के बारे में उन्होंने कहा है। जब उन्होंने कांग्रेस के ऊपर उनके साथ रहने का आरोप लगाया है कि उनके एजेंट हैं और वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने न कोई कांग्रेस संबंध है न किसी का है। हम लोगों ने इसके खिलाफ आज माननीय FIR का मुकदमा दायर किया है जिसमें कोर्ट ने 11 तारीख में नियत की है। जो डिसीजन सुनवाई हुई उन्होंने दोनों मुकदमों एक साथ रख लिया है और उन्होंने 11 तारीख नियत की है। इसमें किसी उसमें जो डिसीजन का उसमें था कि वो प्रतिज्ञा सिंह दिखे तो वो एक प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं लेकिन हमें आशंका है कि उनको गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा एक किया जा रहा था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसमें सख्त रूप अपनाया गया और पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से वार्ता की गई जिसके उसमें और उनके पूरे प्रकरण को ध्यान देने की बात कही गई है।